podremos estar. Acaba con eso, te basta con sonreír y mirar. Como intento dar todo lo que tengo de mí. Como me esfuerzo para que solo tenga un fin. Bastó solo un minuto para de ti enamorar. हेलो फ्रेंड्स, तो क्या हाल है, वेलकम टू माय चैनल एक फ्रेंड क्रिएशन। तो गाइज, ये हमारे चैनल का पहला व्लॉग है, अगर यार कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। तो यार, हम लोग दिल्ली से अभी फ़िलहाल हरिद्वार आए हुए हैं एंड एक मतलब ऐसे छोटे से टूर पे निकले हैं। तो गाइज, सीन ये है कि यार लॉकडाउन में इतने ज़्यादा बोर होने के बाद अब हम कहीं बाहर निकले हैं एंड हमारा फर्स्ट विजिट है हरिद्वार। अब नेक्स्ट हमने डिसाइड नहीं करा कि नेक्स्ट हम कहाँ जाएंगे एंड कहाँ जाके मतलब इस टूर को ख़त्म करेंगे। लाइक ये एक टूर है एंड हमें खुद नहीं पता कि हम कहाँ जाने वाले हैं। तो जानने के लिए आप भी चैनल पे बने रहे एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो डू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन एंड वीडियो को लाइक करें एंड आगे हमारे साथ बने रहें। और अभी हम आपको हरिद्वार का कुछ व्यू दिखाएंगे, देन उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ जाना है। तो इसीलिए चैनल पे बने रहें। यार हम लोग बहुत थक गए हैं, रात से हमारी गाड़ी खराब हो रखी है एंड हमारा सारा सामान गाड़ी में बंद है एंड ये बंदा देखो बहुत ज्यादा तकलीफ में है, हमें आगे बहुत दूर जाना है। हाँ यार, एंड अभी हम मैकेनिक का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं, बिकॉज यार अभी मेरे फोन में चार्ज कम है, अभी हम बैटरी चार्ज करेंगे एंड मैकेनिक ढूंढ रहे हैं कि हमारी गाड़ी जल्द से जल्द ठीक हो जाए एंड हम नेक्स्ट देखते हैं कहाँ विजिट करेंगे। नेक्स्ट तो अभी हरिद्वार जाएंगे, वहाँ पे नहाएंगे मतलब स्नान वगैरह करेंगे, देन उसके बाद डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट क्या करने वाले हैं एंड आपको व्लॉग में सब पता चलता रहेगा। गाइस, हमारी गाड़ी अभी ठीक हो रही है एंड उसमें अभी लग जाएगा, अभी एक दो घंटे लग जाएंगे एंड हरिद्वार से जस्ट कुछ एक किलोमीटर की मतलब है रेंज में हम पीछे हैं मतलब। तो यहाँ पे यार एक घाट है, स्वामी दशानंद घाट, यहाँ पे हम लोग अब नहाने जा रहे हैं, तो देखते रहिए। भाई पानी कैसा है, पानी कैसा है? भाई बहुत ठंडा पानी है। यार पानी ठंडा है, अब हम जाने वाले हैं, डुबकी लगाने वाले हैं। गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग हरिद्वार से जस्ट एक किलोमीटर पीछे हैं, तो हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी एंड यहाँ पर हमने एक ऐप के थ्रू एक मैकेनिक से कांटेक्ट किया था, तो वो आए थे मतलब 9 बजे के करीब आए थे एंड हमारी गाड़ी 10 बजे तक रिपेयर हो गई। तब तक मैंने आपको दिखाया कि हम नहाए थे ये वो एंड यार उन्होंने हमें इतना ज़्यादा लूट लिया, पता नहीं क्या समझा था कि दिल्ली से आए हैं, पैसे वैसे लेके आए होंगे एंड जो चीज़ 500 रुपये की थी वो चीज़ हमें 1500 रुपये की लगाई है एंड 500 रुपये का सामान 1500 रुपये में लगाया है। तो यार अब हमारा प्लान है कि हम लोग सीधा जाएंगे मसूरी एंड जब हम रिटर्न होंगे तो हम आएंगे हरिद्वार में एंड आपको फुल एंजॉय कराएंगे, पूरा रास्ते का व्यू दिखाएंगे कि कैसे कैसे सीन आएंगे एंड चैनल पे बने रहें, लास्ट तक देखते रहें वीडियो एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।
देहरादून पहुंच चुके हैं हम, एंड सीएनजी डल रही है गाड़ी में। अब यहाँ से है 35 किलोमीटर मसूरी। अब यार मसूरी के नज़ारे तो क्या ही बताऊँ, क्या नज़ारे हैं यार, जन्नत जन्नत जैसा फील आ जाएगा मसूरी में। तो अब तुम लोगों को सीधा जन्नत ही दिखाऊंगा, मतलब मसूरी दिखाऊंगा, ठीक है? तो चलो मिलते हैं मसूरी में। ओके बाय। ये देखो गाइस मसूरी पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ी सी दूर रहे। व्यू देखो यार तुम इधर के। सो गाइस फाइनली हम लोग मसूरी पहुंच चुके हैं। मींस अभी यहां से जस्ट क्या बोलते हैं 5-6 किलोमीटर होगा। यार बहुत तेज भूख लग रही थी कसम से, बहुत ज़्यादा। तो हमने मैगी अंडा मंगवाया है, जब तक वो बनता है यार आप यहाँ के व्यूज़ के मजे लो। यार कितना जहर व्यू। सागर भाई इधर देखो, इधर भाई भूल के बताना। ये देखो यार बस व्यू, यहाँ का व्यू देखो यार, क्या कातिलाना व्यू है। हेलो फ्रेंड्स मैगी खा लो। गाइस हम सिर्फ मैगी खाने के लिए रुके थे और देख लो यार कितनी ओस हो गई इधर, कुछ नहीं दिख रहा आसपास, रास्ता भी नहीं दिख रहा। देखो जहाँ से हमें जाना है ये रास्ता देखो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा कहाँ है। दोस्तों इतना थक हार के तो हम मंसूरी पहुंच ही गए हैं। यार कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है, ये देखो यार पहाड़ बादल देखो यार तुम, बादलों के बीच में है मंसूरी। मैंने बोला था ना यार जन्नत है एकदम। अभी यार बहुत थक गए हैं, अभी हम होटल ढूंढ रहे हैं, फिर उसके बाद मैं आपको पूरा मतलब दिखाऊंगा क्या है यहाँ पे सीन, क्या नज़ारे हैं। जब तक आप ये देखो तो हमने होटल बुक कर ली है एंड अब हम जा रहे हैं होटल के पास। अब हम जा रहे हैं मसूरी में बहुत ही फेमस एक मार्केट है टैंक रोड,
वहाँ पे जा रहे हैं, देखेंगे क्या मार्केट में है, मतलब अब हम आपको हर चीज दिखाएंगे भाई, आप तक देखना ब्रो। आंटी कैसा मिलता है मसूरी में गुच्छा? बेस्ट मिलता है गाइस, कभी भी आओ तो जरूर खाना। खाएंगे गाइस। मसूरी के मौसम का तो मैं क्या ही बोलूं यार, एकदम लाजवाब मौसम है। एंड यहाँ पे यार आने के लिए आपको ना कुछ बेसिक चीजें जाननी बहुत जरूरी है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे आए तो लास्ट आपका 3 डेज का कोविड टेस्ट होना चाहिए, नहीं तो उसके बिना यार आपको होटल में बुकिंग नहीं मिलेगी। एंड यार यहाँ पे यार खाने पीने की एक तो इतनी लाजवाब चीज़ें हैं, एंड यार यहाँ का एक मार्केट है मालरोड, तो यार मतलब वहाँ पे आओ विजिट करो यार। एंड यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कैंपटी पुल यार, इतना प्यारा झरना है कि आप यहाँ आओ, यहाँ आए एंड वहाँ नहीं गए तो यार कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। तो कल हम आपको वो दिखाएंगे कैंपटी पुल, कल हम कैंपटी पुल जाएंगे एंड आपको दिखाएंगे कि कैसा व्यू है वहाँ का, एंड झरने में नहाएंगे, आपको सब दिखेगा, फुल एंजॉय करेंगे। तो यार चैनल पे हमारे बने रहे, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन